सोलन में आयोजित हुई पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की रैली पूर्ण तरह से फ्लॉप रही, ये कहना है कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा का। उन्होंने कहा कि भाजपा की रैली में प्रेम कुमार धूमल ने मात्र घोषणाएं की जो एक झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है, यहाँ तक कि उन्होंने कर्मचारियों के हितों को लेकर वो घोषणाएं की हैं जिन्हें भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में शामिल ही नहीं किया है। इसीलिए अब हिमाचल की जनता पूरी तरह से भाजपा की कार्यप्रणाली से वाकिफ है, वो उनके झूठे वायदों में फंसने वाली नहीं है। इस मौके पर कांग्रेस जिला प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश की जनता नोटबंदी के बाद जीएसटी के दंश से जूझ रही है, आज महंगाई से हिमाचल की जनता त्रस्त है, व्यापारी परेशान है। जुमलों वाली केंद्र की सरकार की वास्तविकता क्या है वह देश का प्रत्येक नागरिक जान चुका है। मुकेश ने कहा कि हिमाचल में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और हिमाचल से परिवर्तन की लहर आरंभ होगी, जिसकी शुरुआत पंजाब में हुए उपचुनावों से हो चुकी है और यह परिवर्तन गुजरात में भी देखने को मिलेगा। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की जो सोलन की रैली है वो पूरी तरह से फ्लॉप रही है और कोई भी उन्होंने ऐसी कोई नई बात जो है जनता को नहीं कही। और जुमलों की सरकार को पूरे देश अब समझ चुका है, नोटबंदी की मार के बाद, जीएसटी की मार के बाद देश पूरी तरह से बेहाल हो चुका है और परिवर्तन जो है हिमाचल प्रदेश से होगा और गुजरात तक जाएगा। अभी हमने पंजाब में उपचुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल करी थी, तो इसी से संदेश पूरे देश में जा रहा है कि बीजेपी का जनाधार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है।